हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अब तक इस चैनल पर क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसी चैनल की, ठीक है। तो आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, क्लास 6 और 7 जो है ना, उसमें इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम रिलेटेड। एक थोड़े बहुत टॉपिक है और वो भी इसमें या फिर इसके आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू माई चैनल DNIS क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस की, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा ऐसा चैप्टर है। ये रिलेटेड है जो हम खाना खाते हैं या फिर फूड रिलेटेड ये है, ठीक है। वो फूड कैसे बनता है, कहाँ से आता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ इसमें दिया है, ओके। क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, बेसिकली वो हम इसमें देखने वाले हैं। और कौन करता है फूड प्रोडक्शन? तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, ओके। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहेंगे, जो भी सन रेज आते हैं उसकी मदद से ये यहाँ पर जो पत्तियां दिखाई देती है हमें, ये लीव जो है, ओके, तो ये यहाँ पर ये ऐसे सिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और हम जो होते हैं या फिर एनिमल्स है या फिर ह्यूमन है, वी कैन नॉट मेक या फिर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ओके। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हम हमारा खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ओके। अब आप सोच रहे होंगे किचन में तो मम्मी खाना बनाती है, राइट? तो वो जो खाना होता है वो डायरेक्टली जो फूड तैयार होता है, ओके, जो ये प्लांट बनाते हैं, जैसे कि ये है, ये सब कुछ यूज करके हम बनाते हैं, राइट? तो बेसिक ये रॉ मटेरियल है ये फूड, मतलब तो ये खाना कौन बनाता है? ये प्लांट ही बनाते हैं, ये ह्यूमन नहीं बना सकते, राइट? या फिर एनिमल भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं कि व्हाई डू एनिमल और वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, या फिर हमें ये जो फूड मिलता है एनिमल को या फिर ह्यूमंस को, ये फूड कहाँ से मिलता है, ओके। पर उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो फूड है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें फूड खाना क्यों जरूरी है, ओके, व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है, क्यों खाना चाहिए, क्यों? बिकॉज वी नीड एनर्जी, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी, ओके। और वो कहाँ से मिलती है एनर्जी? ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से, ओके, दैट इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म, ओके। ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस जो है, एनिमल्स जो है, वो सभी यूज करते हैं किसके लिए? जो डेली जो फंक्शंस होते हैं, सभी बॉडी फंक्शंस का कैरिंग करने के लिए, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, ये सभी फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, राइट? चलने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, सभी जो काम हम करते हैं सभी के लिए एनर्जी चाहिए। और वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें फूड से, ओके। सो वी गेट अवर फूड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कहाँ से मिलेगा हमें? प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से भी मिलता है या फिर दोनों से मिलता है? यहाँ पर कुछ एनिमल्स या फिर कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो बस प्लांट ईटिंग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल, ओके। जो एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, एनिमल उनका फूड होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कार्निवोरस, ठीक है। और जो दोनों भी खाते हैं, वेज नॉन वेज, उन्हें क्या कहते हैं? ओमनिवोरस कहते हैं, राइट? तो ये जो फूड क्या करता है, ये फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लियर यहां तक? दिस फूड प्रोवाइड एनर्जी टू अस, ओके। अब देखो, इतनी सारी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, या फिर इंडिया के भी बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इतने सारे पॉपुलेशन में इतने सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करना, ओके,
कितना फूड चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में फूड चाहिए, ठीक है, तो रेगुलर उसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन होने के बाद प्रॉपर उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए, और मैनेजमेंट होने के बाद वो जिनको चाहिए, जरूरत है, उनके पास वो डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए। तो ये तीन चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक तो है रेगुलर प्रोडक्शन, देन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, फूड का, ओके, इन सब चीजों का इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखो, क्या आपको पता है कि पहले के जमाने में जो लोग थे, ओके, जहाँ पर एक डेट दी है, एक टाइम पीरियड दिया है, 1000 BCE, ओके, BCE क्या होता है, BCE बिफोर कॉमन ईरा, ओके, तो ये टाइम कैलकुलेशन पर एक वीडियोस में बनाऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक के लिए अब बस आप ये याद रखिए कि जो पुराने जमाने में बहुत पहले वाले जो पीपल्स थे, ओके, वो नोमेडिक थे। नोमेडिक मतलब क्या, जो वंडर करते हैं, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, किसके लिए, वो इन सर्च ऑफ फूड एंड या फिर शेल्टर, ओके, फूड, खाना खाने के लिए, रहने के लिए जगह वो ढूंढते रहते हैं, सर्चिंग करते रहते हैं हमेशा, इसकी वजह से वो घूमते रहते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो है ना, रॉ फूड, मतलब जो भी कच्चा फूड या फिर वेजिटेबल्स जो भी उनको मिलेगा वो खाते थे, या फिर एनिमल हंट करते थे, ओके, शिकार करते थे, वो भी ऐसे ही कच्चा खाते थे, ठीक है, एनिमल्स फूड जो भी उनको मिलता है वो वैसे ही खाते थे, और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक हिली एरिया है, ठीक है, तो क्या हो सकता था, जैसे कि विंटर सीजन में यहाँ पर बहुत सारी बर्फ पड़ जाती होंगी, ओके, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर नहीं रह सकते, ठीक है, तो वो क्या करते थे, जब भी विंटर होता था यहाँ पर नीचे, या फिर जहाँ पर भी उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, खाना मिले, रहने को जगह मिले, वहां पर वो घूमते रहते थे, ठीक है। पर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, कल्टीवेशन स्टार्ट किया, ओके, कल्टीवेशन मींस जो क्रॉप्स होते हैं उनको, क्रॉप्स को लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, या फिर कुछ अदर फूड क्रॉप्स, ओके, ऐसे कुछ कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि घूमते घूमते थक गए अभी, ओके, तो कितना घूमेंगे, तो क्या कर दिया उन्होंने, एक जगह पर अभी रहना है तो एक जगह पर रहने के लिए एक जगह पर खाना भी चाहिए, ओके, खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कल्टीवेशन, ओके, लैंड का कल्टीवेशन, एक जगह पर जो भी जमीन है उस पर अगर खुद से हम वो जो क्रॉप्स है वो उगाएंगे तो उसी से फूड बनेगा, वही खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस वजह से बॉर्न हुआ एग्रीकल्चर, ठीक है, इस वजह से, इस कंसेप्ट से बॉर्न हुआ एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं अभी ये क्या है, ठीक है। व्हेन प्लांट ऑफ सम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड एज अ क्रॉप, ओके। अगर कुछ ऐसे पौधे, ठीक है, जो हम कल्टिवेट करते हैं, लगाते हैं, ओके, किसी जगह पर, किसी लैंड पर लार्ज स्केल में बहुत सारी क्वांटिटी में लगाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्रॉप, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पर देखो, ये एक क्रॉप है, ओके, यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स ऐसे लगाए हुए हैं, ओके, तो ये क्या है, एक क्रॉप है, ये एक्चुअली व्हीट का क्रॉप है, क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं है ये, ठीक है। तो ये जो गेहूं है, क्रॉप ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल प्लांट आर ग्रोन इन द फील्ड दैट आर दैट ऑफ व्हीट, ओके, तो ये जो है, ये जो प्लांट्स है यहाँ पर, ये जो क्रॉप्स है बहुत सारे अगर हम लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर लगाए हुए, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे क्रॉप्स, क्रॉप ऑफ व्हीट, ऐसे ही क्रॉप ऑफ अदर फूड आइटम, जैसे कि कुछ सीरियल्स होते हैं, या फिर दाल, या फिर राइस, एनीथिंग, ठीक है। तो क्रॉप जो होते हैं यहाँ पर भी देखो, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स लगाए हैं, बहुत सारे पौधे, क्रॉप्स यहाँ पर कल्टिवेट किए, लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सीरियल्स है, जो भी अलग अलग टाइप की दाल होती है ना, देन वेजिटेबल्स है, देन फ्रूट्स है, ओके, सो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स है क्रॉप के, ओके, क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओके, एंड ये जो क्रॉप होते हैं ये क्लासिफाई इनको हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ क्रॉप्स विंटर सीजन में ही लगते हैं, वो क्लाइमेट, वो एनवायरनमेंट उनको सूट करता है, उसी में वो ग्रो हो सकते हैं,
और कुछ जो होते हैं वो समर सीजन में या फिर कुछ जो होते हैं वो रेनी सीजन में ही ग्रो हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन वाइज ये क्रॉप क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, तो देखो इंडिया में जो ना, इन इंडिया हमें पता है वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है। ठीक है, और जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इंडिया में वो भी ऐसे चेंज होती है। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि ह्यूमिडिटी है, जैसे कि रेनफॉल है, इट वेराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अगर हम अलग अलग जगह पर जाएंगे तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन ये चेंज हमको दिखाई देगा। ओके, जैसे कि कहीं पर हम देख सकते हैं बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में लद्दाख है या फिर जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, और कुछ जगह में जैसे कि आसाम मेघालय, उस जगह पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। ओके, कुछ जगह पर जैसे कि राजस्थान में बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता। तो ये क्या है, अलग अलग ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन है। ठीक है, इट मीन्स क्या, ये रिच इन वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके, इट प्रोवाइड अस रिच इन वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अगर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब एक ही टाइम पर क्या होता है, बहुत सी अलग अलग जगह पर हम अलग अलग क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट पार्ट कंट्री के। ओके, सो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, ठीक है, ये जो अलग अलग टाइप्स जो है, ठीक है, डाइवर्सिटी तो है ही। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्रॉप के जो पैटर्न्स है हम इनको भी डिवाइड कर सकते हैं। मेनली ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं। अभी क्लास सिक्स की, क्लास एट की एनसीईआरटी में दो टाइप दिए हैं, बट एक्चुअली तीन टाइप्स है। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, कि कौन से क्रॉपिंग पैटर्न के टाइप्स होते हैं। तो पहला जो है वो है खरीफ, जिसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। ओके, खरीफ क्रॉप क्या होता है, ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि सोन होते हैं या फिर जो उग सकते हैं कब, रेनी सीजन में। ओके, मतलब ये जो रेनी सीजन में है, इट मींस क्या, इनको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, मे बी इसकी वजह से ये रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्रॉप को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे खरीफ क्रॉप। ओके, खरीफ क्रॉप। सो द रेनी सीजन आर जनरली, कब रहता है इंडिया में रेनी सीजन, फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। ओके, और कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे कि पैडी है, पैडी मतलब जैसे कि राइस जिसमें आता है, या फिर मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के। ओके, देन नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप। ओके, सो जो क्रॉप्स ग्रोन होते हैं या फिर उगाए जाते हैं विंटर सीजन में, जो कि रहता है कब, अक्टूबर टू मार्च मंथ में जनरली। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप। ओके, रबी क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल्स इसके हैं जैसे कि वीट है, या फिर ग्राम है, पीज है, मस्टर्ड है, लिंसीड है, ये सभी एग्जाम्पल आते हैं रबी क्रॉप्स के। गेहूं है, चना है, दाल, ठीक है, मस्टर्ड है, ये सभी आते हैं इसमें रबी सीजन में। ठीक है, पर इसके अलावा भी एक और सीजन होता है, एक और पैटर्न जिसे हम कह सकते हैं जायद क्रॉप का। ओके, जायद क्रॉप जो कि कुछ पल्सेस होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा धूप चाहिए होती है, इट मीन्स वो समर सीजन में रह सकते हैं, समर सीजन में ग्रो हो सकते हैं। ओके, ऐसे क्रॉप्स होते हैं जायद क्रॉप्स। तो ये एक्चुअली तीन टाइप्स है, बट ब्रॉडली मेनली दो टाइप्स में ही क्लासिफाइड होती है। ठीक है, अभी क्लास एट में ये दो टाइप ही दिए हैं, ये थर्ड वाला टाइप है एक जायद क्रॉप्स। ठीक है, तो ये टोटल सभी टाइप्स आपके क्रॉपिंग के इसमें कवर होते हैं, राइट। तो प्रोडक्शन जो होता है क्रॉप्स का, ओके, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, सो जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है, ओके, इसके लिए भी बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कल्टीवेशन कैसे करते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं कि हम जाएंगे और क्रॉप लगाएंगे और वो उग जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होते। तो हमारे जो फार्मर्स होते हैं, ओके, ये बहुत सा सा टाइम इनको लगता है, टाइम पीरियड ऑफ टाइम लगता है ये सब कुछ एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये एक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होती है। सो ये जो एक्टिविटीज होती है ना, ये सिमिलर टू होती है, जैसे कि कोई, अगर आप देखते हैं गार्डनर जैसे होता है, ओके, वो
प्लांट्स लगाता है, पौधे उगाता है, ओके वो जो स्टेप्स फॉलो करता है प्लांट्स लगाने के लिए, या फिर जैसे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट हम घर में उगाते हैं, ओके उनके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, ओके तो ये सिमिलर टू वैसे ही होता है, पर ये बस लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर होता है, ओके दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो ये जो एक्टिविटीज होती है, ये जो टास्क होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, खेती, ओके इसे हम कहते हैं। तो कितनी रहती है या फिर क्या क्या स्टेप्स है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की, ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत सारी ऐसे स्टेप्स या फिर बहुत सी एक्टिविटीज होती है एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, जो फूड फाइनली जो हमें मिलता है, ठीक है, उसके लिए ये सारी स्टेप से एक फार्मर जाता है, एक फार्मर को गुजरना पड़ता है इन सारे स्टेप से, ये सारे स्टेप्स वो कंप्लीट करता है, उसके बाद ही हमें वो जो फूड फाइनल जो फूड मिलता है, जो फल मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो हम खा सकते हैं, ठीक है, या फिर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन स्टेप। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ओके जैसे कि मिट्टी की तैयारी, ओके मिट्टी पहले कैसी है हमें पता नहीं, तो क्या करना पड़ता है, मिट्टी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है जिस टाइप के क्रॉप लगाना है उसके लिए, ठीक है, अच्छे से वो मिट्टी तैयार करनी पड़ती है पहले। उसके बाद रहती है सोइंग, यानी कि जिसे हम कहते हैं बुआई, ओके देन उसके बाद रहते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ओके अभी प्लांट्स या फिर क्रॉप तो हमने वहां पर उनका सोइंग कर दिया या फिर बुआई कर दी, ठीक है, उसके बाद क्या रहता है उसको और अच्छे से वो उगने के लिए हमें क्या चाहिए, उनको भी खाना चाहिए ना, ओके खाद जिसे हम कहते हैं मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स, ओके खाद या फिर उर्वरक वो भी उसमें चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो प्लांट अच्छे से ग्रो करे, वो क्रॉप अच्छे से ग्रो करे, ठीक है, और उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो, उसके लिए ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है इरिगेशन की। इरिगेशन मीन्स सिंचाई जो रहती है, ओके इरिगेशन मीन सिंचाई, पानी बार बार देना पड़ता है, ठीक है, सिंचाई। देन अभी ये सब तो हो गया, सिंचाई भी होगी, उसके बाद क्या जरूरी स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब जो खरपतवार होते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं, ओके उनसे भी बचाना पड़ता है क्रॉप को, नहीं तो पता चला कि बस लगा दिए हमने क्रॉप और सारे वो कीड़ों ने खा लिए, ठीक है, तो या फिर वीड्स जो होते हैं उन्होंने खा लिए, तो उसके लिए भी ये प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये एक स्टेप उसमें आती है। और अब जब क्रॉप्स पूरे रेडी हो गए, पूरा वो ग्रो हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं कटाई, ठीक है, और अब हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है, पूरे प्लांट्स पूरे जो क्रॉप्स है वो उनकी कटाई हो गई, हार्वेस्टिंग हो गया, उसके बाद क्या होगा, लास्ट वन इज स्टोरेज, ओके अच्छे से उन्हें गोदामों में स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये सभी एग्रीकल्चर, इतने सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, ओके खेती में, एग्रीकल्चर में, या फिर किसी भी क्रॉप्स को उगाने के लिए, राइट। तो ये डिटेल में हम देखेंगे वन बाय वन, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, तो इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।